माने BSNL में कम से कम 20 से 25 साल हो गए हैं जी, और माने एक साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है, हम भूखमरी हो रही है, और लास्ट में हो सकता है कि हमने एक आधा बंदा ने आत्महत्या भी करनी पड़ सका है। आप देख रहे हैं नरवाणा की आवाज, पत्रकार बिंटू शुरण के साथ। 11 महीनों से वेतन नहीं मिला तो नरवाणा में उच्चारण के BSNL कर्मचारियों ने की नारेबाजी। आपको बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे नरवाणा व उच्चारण के BSNL कर्मचारियों को पिछले 11 महीनों से वेतन नहीं मिला। वेतन न मिलने से परेशान कर्मचारियों ने नारेबाजी कर विरोध जताया। कर्मचारियों ने अधिकारियों व ठेकेदारों पर जानबूझकर वेतन न देने का आरोप भी लगाया। कर्मचारियों ने बताया कि जब ठेकेदार से वेतन की बात की जाती है तो आश्वासन देकर टाल देता है। कर्मचारियों ने कहा कि वेतन समस्या को लेकर SDO JEE सहित विभाग के उच्च अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी समस्या ज्यों की त्यों है। कर्मचारियों ने बताया कि लॉकडाउन होने के बाद भी सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी तरह निभा रहे हैं, लेकिन जब वेतन की बात आती है तो उन्हें टाल दिया जाता है। वहीं विभाग के SDO संपूर्ण सिंह ने बताया कि वेतन को लेकर उच्च अधिकारियों को संज्ञान डाल दिया गया है। मैं द्रौपदी में लाइनमैन के उस पे करियर तो 11 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। ठेकेदार बार बार ये कह रहे हैं भाई अगले महीने आ जाएगी, उसे अगले महीने आ जाएगी, 4-5 महीने में एक तनख्वाह देता है और उससे हमारा गुजारा नहीं होता। बच्चे भी हैं और जो भी जरूरत की सामान है वह लेना पड़ता है, और अभी सीजन है जो गेहूं का लेना है, तूड़ी लेने हैं, बच्चे की आगे फीस फास भी भरनी है, इस करके हमें हमारे वेतन दिया जाए, यही हमारी प्रार्थना है। जी साहब को पता है, SDO साहब को पता है, GM को, DGM को, सभी को पता है जी इस बारे में। हम कई बार कह चुके हैं, हर महीना ये करते हैं, हड़ताल करते हैं, उसमें हमें आश्वासन दिया जाता है भाई अगर कोई नहीं तो आप 4-5 दिन रुक जाओ, आपकी तनख्वाह आ जाएगी कम से कम 11 से 12 महीने की। और सभी को SDO को भी बोल दिया है, JEE को भी बोल दिया, DT को भी बोला है, और जो हमारे DGM साहब हैं अनार सिंह मलिक उनको भी बोल दिया गया है, लेकिन वो हमें झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि अगले महीने आ जाएगी, अगले महीने आ जाएगी, उस तक अगले महीने आ जाएगी, मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने बार बार करी है, एक दो बार काम भी छोड़ा बीच में, तो उनकी 10 दिन 2000 रुपये डाल दिए, फिर कहते हैं अगला महीने आ जाएगी, तो लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, डेली आते हैं, प्रूफ भी है हमारे पास, इनकी कॉन्ट्रैक्ट का पर्चा बना के दे रखा है भाई, आपने कोई रोका नहीं का पुलिस वाला, एक आधी बार पुलिस के डंडे भी लगे हैं, फिर भी हम काम पाए हैं। तनख्वाह के लिए कहते हैं कि अगले महीने आ जाएगी, अभी ऊपर से पैसा नहीं आया है BSNL का, लेकिन क्या है कि पैसे आते हैं ठेकेदार के पास, वो तेल में दे देता है, गाड़ी वालों को दे देता है, लेकिन हमें नहीं दिया है। और इसमें साथ में कर्मचारियों को भी मिली भगत है, जो हमारे DGM साहब हैं, DT साहब हैं, SDO भी हैं, तो सभी उनके साथ मिले हुए हैं, मिली भगत करके हमें 23 दिन की तनख्वाह देते हैं और 30 दिन 31 दिन काम करवाते हैं। क्या नाम है ठेकेदार का? VK प्लस सर। माने BSNL में कम से कम 20 से 25 साल हो गए हैं जी, और माने एक साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है, हम लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी हम काम कर रहे हैं और हमें वेतन नहीं मिल रहा, हम बच्चे कैसे पालेंगे, भूखमरी हो रही है, और लास्ट में हो सकता है कि हमने एक आधा बंदा ने आत्महत्या भी करनी पड़ सके।